अभी कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, अभी मरीज बहुत कम आ रहे हैं और हमारा पॉजिटिव रेट भी काफ़ी नीचे आ गई, 4 और 5 के बीच में चल रही है। पहले कम से कम 300-400 और फिर 200, फिर अभी 100 के अंदर आ रही है। अभी 2-3 दिन से लगातार 100 से नीचे आ रहे हैं मरीज। पहले लहर में दिसंबर तक 82 डेथ हुई थी, 82 डेथ हुई थी और 3 जनवरी में हुई थी 85 डेथ हुई थी। उसके बाद में दूसरी लहर में अप्रैल से लेकर के काफ़ी डेथ हुई है, यहाँ आज तक हमारे 231 डेथ हुई है टोटल। इस बार डेथ के अंदर कुछ युवा में भी हुई है और बाकी ओल्ड एज में हुई है। 21 साल से लेकर के 31 साल के बीच में 8 डेथ हुई है और 31 लेकर 30 से 40 के बीच में 21 और 40 से 50 के बीच में 20 और 50 से 60 के बीच में 24 और बाकी 20 डेथ है वो 70 ईयर से ऊपर हुई है। तो सर दूसरी लहर में कितनी मौतें सामने आई अभी तक? दूसरी लहर में लगभग 147 के आसपास डेथ हुई है, दूसरे लहर में ज़्यादा डेथ हुई है। अभी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है हमारे पास, स्टॉक का भी रेमडेसिविर का भी स्टॉक अच्छा पड़ा है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत दिक्कत थी, दोनों की दिक्कत थी, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर की दोनों की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है और अब डिमांड बहुत काफ़ी कम हो गई है इसलिए हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक। तो होम टू होम, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, हमारी टीम लगा रही है, ग्राम स्तरीय टीम लगी हुई है, ANM, आशा, आंगनबाड़ी, टीचर्स, ग्राम सेवक सब उनकी टीम बना के हर गाँव में वो PO काउंटर में काम कर रहे हैं और घर घर के जाके ILI के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको मौके पे ही उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जहाँ जरूरत होगी उनको सैम्पलिंग भी कराई जा रही है और अब तो बच्चों का भी हम देख रहे हैं, बच्चों में कई युवा रहेगी यहाँ ILI के वैकेशन आ जाए तो उनको अर्ली डिटेक्शन करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, हम अर्ली डिटेक्शन कर पाए, अर्ली ट्रीटमेंट कर पाए और अर्ली मरीज को समय पर ही जहाँ जरूरत हुई वहाँ PAC CAC यहाँ जिला लेवल के अस्पताल में भेज करके उनका ट्रीटमेंट किया गया ताकि हमें उसको रोकने में काफ़ी सहायता मिली। और अभी हमारे OPD और बहुत कम हो गई है और जो हमारे मरीज के बेड है हॉस्पिटल के अंदर जिला अस्पताल में वो भी लगभग 50% खाली हो गए। हमारे CAC के अंदर भी हमने कई कोविड सेंटर बनाए थे, वहाँ भी हमारे बहुत बेड वापस खाली हो गए और हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और जो रेमडेसिविर की और अन्य दवाई की जो रिक्वायरमेंट थी काफ़ी कम।